जिसको बेचैनी होती हो, भोजन न पचता हो, अजीर्ण हो, वो गीता के 15वें अध्याय का 14वां श्लोक 3 बार जपे और हाथ घुमाए, अजीर्ण की बीमारी, अपचय की बीमारी ठीक हो जाएगी। मैं मंत्र बोलता हूँ, अहम वैश्वानरो भूत्वा, अहम वैश्वानरो भूत्वा, प्राणिनाम देहम आश्रितः, प्राणिनाम देह आश्रितः, प्राणपान समायुक्ता, प्राणपान समायुक्ता, पचामि अन्नम चतुर्विधम, पचामि अन्न चतुर्विधम। ये भगवान ही है जो वैश्वानर होकर आपका अन्न पचाते, उस भगवान की स्मृति करके 3 बार हाथ फिराओ। मेरे को तो भाई अभी ये समझ में आई बात और मैंने इसका प्रैक्टिकल किया। मेरा सा दोस्त दवाया और दूसरे को पीलिया हो जाता है तो इंजेक्शन लगवाते, हॉस्पिटल में भर्ती होते, मर के आते या तो मरने के पहले घर भेज देते। अंग्रेजी दवाओं में पीलिया का कोई इलाज ही नहीं है। मैं बताता हूँ इलाज, एक केला ले लो, ज़रा सा चिल्टर हटा के एक चने भर का उसको चूना रगड़ दो, होश में रख दो, खिला दो, पीलिया छू। दूसरे भी कई उपाय, होम्योपैथी में भी उपाय है, आयुर्वेदिक में भी उपाय, लेकिन अंग्रेजी दवाओं में पीलिया का उपाय नहीं। कई लोगों को अपेंडिक्स होता है, वो पेट कटाते, अपेंडिक्स मेरे को था। अपेंडिक्स है गोझरण वटी अथवा गौमूत्र थोड़े दिन पियो, वहाँ तो थोड़ी सूजी अपने आप ठीक हो जाएगा। कब्जियात के कारण, अजीर्ण के कारण अपेंडिक्स हुआ और किसी कारण, उन कारणों को हटा दे तो ठीक हो जाएगा। पाद पश्चिमोत्तान आसन करो और खाना पीना हल्का फुल्का करो, अपेंडिक्स ठीक हो जाएगा। काय को भैया पेट कटाओ। ओ कुंता महारानी भीम जैसों को जन्म देती है, हंसते खेलते, और आज हुआ छछुंदर छाप, खरगोश छाप, बच्चों को जन्म देने के लिए पेट कटाने की क्या जरूरत है? तो पैसा कमाने के लिए डरा देते पहली प्रसूति वाली को, जरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ऑपरेशन का। वो ऐसे ही बेचारी नई नई है तो माँ होने से समय डरती, थोड़ी सी पीड़ा होती तो पेड़ू सकोड़ेगी तो और पीड़ा ज़्यादा होगी। अरे पेड़ों को फैला के रखो, अब मैं हम 2 से 3 हो रहे हैं, भगवान ने दी सौगात, वेलकम, आराम से भीम जैसे बच्चों को जन्म दे सकते। एक तो खुद डरती है थोड़ा, दूसरा फिर डॉक्टर डरा देते हैं, और जरा जरा बात में ऑपरेशन कटाओ कटाओ, शरीर कटाओ, पेट कटाओ, कोई ज़रूरत नहीं। सभी डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन होगा, तुम बोले नहीं करेंगे। गाय का, देसी गाय का गोबर, उसका रस निकाल के 1 तोला 12-15 मिलीग्राम ओम नमो नारायण 21 बार जप के पिला दो, आधे 1.5 घंटे 1 घंटे में आराम से प्रसूति हो जाएगी। ऐसा तो कई मायों ने फायदा उठाया। और समझो गाय का गोबर नहीं मिलता, विदेशी गाय का गोबर नहीं, देसी गाय का, देसी गाय का दूध ही फायदा करता है, विदेशी गाय तो सुअर में से बनी है। अपनी गाय और सुअर आदि का मिश्रण, जैसे गधा और घोड़ा और खच्चर बना ना, ऐसे सूरी और बैल, सुअर, दूसरा जंगली प्राणी, उनका मिश्रण है विदेशी गाय, उसका दूध ऐसी। देसी गाय के दूध में जो ताकत होती है और बुद्धि को बढ़ाने की जो शक्ति होती है, उसकी बराबरी धरती का कोई अमृत नहीं कर सकता। गौ क्यों कहा शास्त्रों ने? सूर्य में 3 शक्तियाँ होती है, दाहक शक्ति, जीवनी शक्ति और गो शक्ति। दाहक शक्ति तो हम महसूस करते हैं, जीवनी शक्ति से हम और पौधे जी रहे हैं, लेकिन गो शक्ति गाय के रीढ़ के पास जो सुषुम्ना नाड़ी जाती है वो अपने में सोचती है, इसीलिए गाय के दूध में पिलास आती है। वे एंटीबायोटिक कण है, वे स्वर्णमय कण है, वे बुद्धि को ओजस्वी बनाते और स्वास्थ्य की रक्षा करते। जो बच्चे गाय का दूध पी के बड़े होते हैं, वे बड़े प्रेमाल होते, स्नेही होते और एक दूसरे भाई बहन को, एक दूसरे को संभाल लेते। लेकिन जो छोरे भैंस का दूध पी के बड़े होते हैं, वो संपत्ति के लिए लड़ते हैं, क्योंकि भैंस खाण दे के फिर दूध दे, और गाय तो बछड़ी देख के हमारे चाट दूध दे, स्नेह से दूध दे। बिल्कुल पक्की बात कहूं, किसान भाई बैठे, कोई भी बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो, पेट की बीमारी हो, फलान गोड्डों की बीमारी हो, देसी गाय का पेशाब सुबह 50 मिलीग्राम पियो, उन बीमारियों को जड़ें कट जाएगी। मुफ्त में ठीक होने की तो दवा पड़ी है, वो तो पड़े
शास्त्रों में तो लिखा है कि गाय का झरण 5 तोला सुबह पीने को मिले और बदले में एक अशर्फी देनी पड़े तो दे दिया करो। और तुम क्या करते हो, इंजेक्शन भुकाते हो और फिर गर्भपात कराते लोग, एंटीबायोटिक खाते, हकीम का यार डॉक्टर का यार सदा बीमार, जितनी दवाइयां क्या उतना मर्ज बढ़ गया, ऑपरेशन बढ़ गए, इंजेक्शन बढ़ गए, तो लोगों की बीमारी घटी क्या? बीमारियां बढ़ गई और तुम्हारे से ज़्यादा बीमारियां विदेशियों को बेचारों को है अमेरिका में, क्योंकि अंग्रेजी दवाओं का ऐसे ही है, जल्दी फायदा करती है, मतलब रोग को दवा देती है, फिर रोग रूपी कचरा और दबाने की दवा दोनों मिलकर और बढ़ेगा। थोड़ी देर तो ये ठीक हो गया लेकिन फिर किडनी खराब हो गई, किडनी थोड़ी ठीक हुई तो लीवर खराब हो गई, लीवर ठीक हो तो पाचन तंत्र खराब, बाद में ऐसे सुकड़ के व्हील चेयर पे लोग जी रहे बेचारे। 100 में से 63 आदमी तो रात को इंजेक्शन भुकवाने के बाद भी नींद नहीं कर पाते, ऐसी हालत में पड़े। अब तुम विदेशी दवाओं और विदेशी खान पान और विदेशी रीति रिवाज, फास्ट फूड सत्यानाश कर देगा मैदे का फास्ट फूड, अपना रोटी दूध पी लो, ब्रेड बटर ब्रेड इन आमलेट, फिर देखो हाथों की बीमारी होगी, बुढ़ापा तोबा करा देगा, बेसन की चीज़ें हाथें खराब कर देती। आयुर्वेदिक दवा से सफाई हो जाती, भले थोड़ा देरी लगता है लेकिन शरीर स्वस्थ रह जाता है। किसी को सांप काटा हो, बिच्छू काटा हो, हॉस्पिटल में भर्ती हो गए, ये करे, कोई जरूरत नहीं, पीपल का पत्ता हरा, उसकी डंखली, जिसको सांप काटा है उसके हाथ पैर पकड़ो, क्योंकि उसको डंखली अंदर डालेंगे थोड़ी सी तो खींचेगा जहर उसको, तो पर्दा न टूट जाए इसलिए उंगली का एक कापा जितना डंखली अंदर जाए, ये उंगली है ना उसमें 3 निशान 30 3 कापे ना, इन उंगली का तीसरा हिस्सा, समझ गए ना, एक उंगली है, एक हिस्सा है, दूसरा ये तीसरा हिस्सा, तो ये तीसरा हिस्सा अंदर उतना डंखली जाए, 2-4 डंखली से बदलो उसका विष चूस के, फिर वो खींचना बंद हो जाएगा, वो निरोग हो गया, 2-5 मिनट का काम है। अगर मंत्र करते तो और बढ़िया है, सुपर्णापक्ष पाते न भूमि गच्छ महाविष, सुपर्णापक्ष पाते न भूमि गच्छ महाविष। तो ये सब उपाय आपके देश के ही तो हैं, बिच्छू काटे सांप काटे दौड़ा धूप काहे करो, या तो फिर ऐसा करो हरी डंडी, पीपल के पेड़ की हरी डंडी पतली उंगली से भी पतली, वो तोड़ के वो पकड़ के रखो अंदर कान में जाए इतनी पतली, लेकिन ऐसा खींचेगी तो पर्दा टूटे नहीं, उसका ध्यान रखना, इसलिए उंगली का तीसरा हिस्सा। ये मंत्र याद नहीं रहेगा तो और छोटा मंत्र दे, भगवान शिव ने वरदान दिया गर मना विष, शिव जी का चिंतन करके नगर 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 विष नष्ट हो जाएगा। इतना सस्ता उपाय काहे भूलो भाया, ते की कर भूलो अंदाता अंदात्री। लेकिन ये तो शरीर का विष, 84 लाख जन्मों का विष तो जाता है, हरि नाम कीर्तन से नष्ट हो जाता है पाप ताप। हरि हरि बोल। बेचैनी हटानी हो तो ओम हंसम हंस 20 बार जप करके पानी में देखो, छोरा छोरी भाई कोई बेचैन हो तो ठीक हो जाएगा। अब गर्भ की पीड़ा हो रही है, डॉक्टर बोलता है ऑपरेशन कराओ, और गोबर तो मिलता नहीं, गोबर का रस कैसे पिलाएं? दूसरा मंत्र है जम्भला 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 जम्भला, जब करे तो गर्भिणी का प्रसूति होने में मदद करेगा वो मंत्र। जयराम जी बोलना पड़ेगा। अब ये सब बातें क्यों बताता हूँ? आपसे कोई रुपया पैसा लेना है? आपसे कोई वाहवाही लेनी है? आपसे कोई फूलहार लेना है? नहीं, आपके मंगल में हमें आनंद आता है, आपके भले में हमारा भला है, आपकी उन्नति में हमारी उन्नति है।